Hey guys, welcome back to my channel, that's motovlogger David. So आज हमारी Dominar 400 2022 की टूरिंग एडिशन का फर्स्ट सर्विस, तो आज हम जाएंगे गाड़ी की फर्स्ट सर्विसिंग को। तो यहाँ पे मुझे इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे फर्स्ट सर्विस का बता रहा है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे सर्विसिंग अलर्ट आ रहा है। जैसे मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे सर्विसिंग अलर्ट आता है, आप देख सकते हो। यहाँ पे आ चुका है सर्विस रिमाइंडर। सो करेंगे हम अब बाइक को सर्विस। सो देखते हैं फर्स्ट सर्विस के बाद हमें बाइक के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। फर्स्ट सर्विस का जो भी कॉस्टिंग होता है मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, एंड सर्विस के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए वो भी आपको मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो जाते हैं सर्विस सेंटर, सो करते हैं बाइक को सर्विस, तो मिलते हैं सर्विसिंग के बाद। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं बजाज के सर्विस सेंटर पे। सो अब हम करेंगे इस बाइक की फर्स्ट सर्विस। सो देखते हैं फर्स्ट सर्विस के बाद हमें बाइक के अंदर क्या क्या चेंजेस मिलेंगे। सो ये रहा बजाज का सर्विस सेंटर, जो जाते हैं अंदर। सो यहाँ पे और एक टूरिंग एडिशन बाइक खड़ी है सेम कलर की। सो गाइस हमारी बाइक की फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। सो बात करूँ इसकी सर्विसिंग कॉस्ट की, तो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा किसकी कितनी कॉस्टिंग आई है। सो मैं अभी सबसे पहले मेन चीज आपको सबको ये बताना चाहता हूँ, तो बहुत लोग ऐसा लगता है कि तीन सर्विस जो हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है फ्री होता है, बट ऐसा नहीं होता। बस आपको बस लेबर चार्ज पे नहीं करने, लेकिन बाइक के अंदर जो भी चीज़ें आप डलवाओगे, जैसे कि ऑयल हो गया, फिर लिक्विड कूलिंग का टॉपअप हो गया, फिर चेन क्लीनिंग हो गया, ये सब तो हमें पे करना होता है, बस लेबर चार्ज पे नहीं करना होता। और बात करोगे इस बाइक के अंदर फर्स्ट सर्विस के अंदर, फर्स्ट सर्विस के बाद क्या क्या चेंजेस मिले हैं मुझे, तो ज़्यादा तो मुझे अभी तक कुछ चेंज फील नहीं हुआ है। दो ही दिन हुआ है बाइक सर्विस होकर, बस हल्का सा वाइब्रेशन कम हुआ है और बाइक हल्की सी स्मूथ फील होती है, बिकॉज नया इंजन ऑयल जो नया डाला है, तो थोड़ा सा स्मूथ फील हो रही है बाइक। और अगर इसके अंदर और कुछ तो उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किया, मैं आपको जो भी है वो भी वीडियो के एंड में बता दूंगा क्या क्या चेंज हुआ है और क्या नहीं। सो गाइज ये रहा बिल हमारे सामने। सो सबसे पहले जो इन्होंने डाला है वो है इंजन ऑयल। सो पहले इसमें इन्होंने लिखा है 1.2 लीटर इंजन, जिसका कॉस्टिंग आया है 1140 रुपया। दूसरा उन्होंने 100 ml ऑयल यूज़ किया है सेम, सो उसका जो कॉस्टिंग है वो है 524 रुपीज़। सो इसके अंदर आई थिंक सो 1.5 लीटर के आसपास ऑयल बैठता है, इसके लिए उनको दो ऑयल के डिब्बे डालने पड़े। उसके बाद उन्होंने जो प्राइस लगाया वो है किट स्प्रे चेन ल्यूब का, जिसका प्राइस है 194 रुपीज़। फिर ये मोटुल का कूलंट, जिसका प्राइस है 43 रुपीज़। इन सबका टोटल होता है 1979 रुपीज़। उसके बाद उन्होंने फाइल चेकिंग और जो भी होगा या कंज्यूमर चार्ज वो सब लगा के जो एक्सटर्नल चार्ज होते हैं उसका आया है हमें 89.11 रुपीज़। सो टोटल जो अमाउंट हमारा बनता है सर्विसिंग का वो है 2069 रुपीज़, आप देख सकते हो। सो 2022 Dominar टूरिंग एडिशन का जो फर्स्ट सर्विसिंग का जो कॉस्टिंग है वो है 2069 रुपीज़।